हे गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्पाइस रूट डायरीज। आज आप लोग हमारे साथ घूमने चलेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट, जानेंगे इसके इतिहास के बारे में, इसकी वीरता की गाथा के बारे में हमारे टूर गाइड के साथ। हम लोग देखेंगे चित्तौड़गढ़ फोर्ट की एंट्री, उसके सात दरवाजे जिसको पोल भी कहा जाता है, फिर घूमेंगे कुंभा पैलेस, विजय स्तंभ, जौहर कुंड, समाधीश्वर मंदिर, मीराबाई की मंदिर और फिर अंत में कीर्ति स्तंभ। अगर आप उदयपुर से चित्तौड़गढ़ तक की जर्नी में इंटरेस्टेड नहीं है तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, आप चित्तौड़गढ़ फोर्ट एंट्री तक स्किप कर सकते हैं, पर मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा कि चित्तौड़गढ़ सेक्शन में पहुंचने के बाद वहां से स्किप ना करें, क्योंकि उसके हर एक कंटेंट में रहेगा उसके इतिहास के बारे में जानकारी। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारा कंटेंट मोस्टली ट्रैवल रिलेटेड, रोड ट्रिप रिलेटेड रहता है। और हमारा वीडियो अगर आपको अच्छे लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, इससे हम लोग को इंस्पिरेशन मिलता है और नए अच्छे ट्रैवल कंटेंट बनाने के लिए। तो चलिए देर ना करके आज का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ से चित्तौड़गढ़ और 115 किलोमीटर दूरी में है, हम लोग को थोड़ी भूख भी लगी है, सुबह से ब्रेकफास्ट कुछ किए नहीं थे, होटल से निकलते टाइम सिर्फ चाय पी के निकल गए, तो आगे जाके कहीं पे रुक के ब्रेकफास्ट करेंगे, बहुत भूख लग रही है। सामने हाथी आ रही है, इधर। ओके, नाइस। NH-27 जो ऐसा मैंने बताया था कि दैट गोज वाया चित्तौड़गढ़ कोटा एंड देन इट टेक्स अ डिविएशन टुवर्ड्स उत्तर प्रदेश, तो हम लोग को कोटा के बाद नीचे की जर्नी मतलब दक्षिण की तरफ जर्नी स्टार्ट करनी होगी टुवर्ड्स भोपाल देन नागपुर, तो कोटा तक तो यही रोड से ही जाएंगे। तो अभी हमारे राइट साइड पे उदयपुर का एयरपोर्ट है, उधर एयरपोर्ट का नाम है महाराणा प्रताप एयरपोर्ट, राइट साइड पे है, दाएं तरफ चला गया रस और हम लोग चित्तौड़ के और बढ़ रहे हैं आगे। तो अभी हम लोग अभी एक टोल गेट क्रॉस करके KFC पे रुके हैं, KFC यानी कृष्णा फूड कोर्ट पे रुके हैं। कुछ भी यहाँ पे कुछ हल्का ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद जर्नी कंटिन्यू करते हैं। मस्त कचौड़ी तला जा रहा है, कचौड़ी और जलेबी, अभी वही खाएंगे, कचौड़ी जलेबी, और बच्ची ने आइसक्रीम ले लिया है, क्या ही करें, मतलब उसका जिद है, वो कुछ खाएगी नहीं, और रोड पे मुझे अभी उसके साथ लड़ना नहीं है। तो वहाँ पे हम लोग को वो कचौड़ी नहीं लिए, सिर्फ कचौड़ी था, वो कचौड़ी चाट, कचौड़ी सुबह सुबह चाट कौन खाएगा। अभी यहाँ पे होटल पवन प्लाजा यहाँ पे आए हैं, देखते हैं खाने का क्या मिलता है, तो वहाँ पे सिर्फ जलेबी खाएं, जलेबी ले लिए, अभी यहाँ पे देखते हैं अंदर क्या मिलता है ब्रेकफास्ट के लिए। तो हम लोग ने यहाँ पे खाना मंगवा लिया है, खाने में है ढाबा स्टाइल रोटी और आलू मटर की सब्जी, खाना एकदम बढ़िया टेस्ट है जैसा ढाबा में बनता है। कैसा लग रहा है तुमको, सही है ना टेस्ट? बढ़िया, एकदम ढाबा स्टाइल कुकिंग है। पहले 5 रोटी मंगवाए थे, अभी और 2 रोटी मंगवाए हैं टोटल, तो इससे अभी बढ़िया ब्रेकफास्ट हो गया हम लोग का, ब्रेकफास्ट का ब्रंच जैसा हो गया है, तो बढ़िया ब्रंच हो गया हम लोग का। यहाँ से टोटल 7 रोटी, 1 मटर पनीर की सब्जी, 2 चाय, 1 पानी का बोतल लिया है ना? हाँ। साथ में वो पानी का बोतल, सब लगा के टोटल 288 रुपीस का बिल हुआ। पेट एकदम बढ़िया भर गया है, अच्छा बढ़िया खाना खा के ढाबा स्टाइल। अभी सीधे चित्तौड़गढ़ जाके फोर्ट पे जाके, फोर्ट तक का मैप देख के रखा है, 2:45 पे अराइवल दिखा रहा है,
उदयपुर के इस हाईवे स्ट्रेच में, उदयपुर के चित्तौड़गढ़ स्ट्रेच में हाईवे में जो दिख रहा है कि दोनों साइड में अच्छा खासा फेंसिंग है, तो कैटल क्रॉसिंग का कोई यहाँ पे उतना टेंशन है नहीं। कहीं पे अब तक सुबह से निकल के कहीं पे मुझे ऐसा दिखा नहीं कि रोड पे गाय भेड़ बकरियाँ ऐसे घूम रहे हैं। हाईवे खाली ही है, खाली बोले तो कोई कैटल्स नहीं है हाईवे। जो भी है ट्रक्स का इधर उधर है, उतना भी ज़्यादा नहीं है, अच्छा खासा प्रॉपर, कहीं पे टार रोड, कहीं पे ऐसा वाइट सीमेंटेड रोड है। चित्तौड़गढ़ यहाँ से और 30 किलोमीटर दूर है, टाइम लगेगा 50 मिनट। हम लोग अच्छा खासा 89 का क्रूज डाल के चल रहे हैं। वैसे यहाँ पे मुझे कहीं पे इंटरसेप्टर भी दिखा नहीं है, लेकिन मैं इससे ज़्यादा स्पीड में मैं चलूँगा नहीं। ये मुझे एक्चुअली अच्छा एवरेज भी आ रहा है, 21 से 20.5 का एवरेज ऐसा रेंज में आ रहा है, तो वही अच्छा खासा एवरेज चाहिए मुझे। तो अभी बजे है 12:19 और यहाँ से देखिए चित्तौड़गढ़ फोर्ट के लिए रोड अलग हो जाता है। यहाँ से लेफ्ट में चित्तौड़गढ़ की तरफ रास्ता अलग हो जाता है और सीधा जाएंगे तो कोटा की तरफ चले जाएंगे। तो हम लोग चित्तौड़गढ़ फोर्ट देख के आके हम लोग को यहीं तक आना है, फिर से आके फिर यही रोड पे कंटिन्यू करना है टुवर्ड्स कोटा। अभी चित्तौड़गढ़ फोर्ट की तरफ घूम लिए हैं, हमें दिख भी रहा है यहाँ से थोड़ा थोड़ा दूर में चित्तौड़गढ़ फोर्ट यहाँ से, और 12 किलोमीटर दूर है। किला चित्तौड़गढ़ सीधे यहाँ से देख सकते हैं चित्तौड़गढ़ का फोर्ट एरिया स्टार्ट हो रहा है। फोर्ट सामने दिख पा रहे हैं। तो अभी हम लोग किला रोड पे हैं और सामने जो बाइक वाला जा रहा है वो यहाँ पे गाइड है, गाइड ने बताया कि वो ही पूरा घुमाएगा। तो गाड़ी में बैठने के लिए बोल रहा था, मेरा गाड़ी में तो जगह है नहीं, पीछे बच्ची पूरा वो बेड है, वहाँ पे कोई और किसी भी आदमी के लिए जगह नहीं है। तो सामने वो बाइक से ही जाएगा हमारे साथ, उसने रेट बताया 650, तो मैंने बोला 650 तो मैं दूंगा नहीं, तो मैंने 500 बोल के रखा है। अभी आगे जाके देखते हैं। चित्तौड़गढ़ फोर्ट में आपको घुसने के लिए टोटल 7 गेट या फिर 7 पोल क्रॉस करके घुसना पड़ता है। इसमें से सबसे पहले आता है पड़ान पोल, फिर भैरवा पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, जोड़ला पोल, लक्ष्मण पोल और सबसे अंत में मेन गेट है राम पोल। यहाँ पे देखिए लेफ्ट साइड पे ही है किला का जो वॉल है, कितना मतलब ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट फोर्ट है। I think after Great Wall of China, this is the second largest. This won't be the largest, but the second largest after Great Wall of China. चित्तौड़गढ़ फोर्ट। हनुमान पोल, एक एक गेट का नाम है, पोल से नाम होता है हनुमान पोल, फिर पीछे का और दो उसके दो नाम अलग अलग थे। चित्तौड़गढ़ या फिर चित्तौड़ फोर्ट, ये भारत की वन ऑफ द लार्जेस्ट लिविंग फोर्ट है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंतर्गत आता है। ये मेवाड़ की राजधानी हुआ करती थी जो कि आज चित्तौड़गढ़ सिटी के नाम से जाना जाता है। इस किला का निर्माण 8th सेंचुरी में बप्पा रावल ने किया था, फिर 1403 में दिल्ली की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इसको तोड़ा था और फिर बाद में 1440 में राणा कुंभा ने इसको फिर से बनवाया। ये किला पहाड़ के ऊपर 180 मीटर हाइट पे है और 690 एकड़ ज़मीन पे फैला हुआ है। क्या सुंदर दिखने में लग रहा है।
और फिर इसके बाद हम लोग पहुँचे राणा कुंभा पैलेस, जो कि किला का पहला अट्रैक्शन पॉइंट है। सामने जो बड़ा सा गोल्ड राउंड दिख रहा है आप लोग, उसे 9 लाख 9 लाख का भंडार बोलते हैं सर। 9 लाख गोल्ड कॉइंस वहाँ रखते थे। अच्छा। जो कि इमरजेंसी फंड्स होता था सर, मुगल लोग ब्रिटिश लोग इसे लूट के लेके। हाँ। ये रॉयल एंट्रेंस नहीं था सर, राजा के रथ में जो घोड़े बनते थे ना, हाँ। तो घोड़े यहाँ से जाते थे सर, यहाँ से। हाँ। ये घोड़ों के वाले का अस्त्र बन गया। ये अस्त बल है सर, घोड़े बनते थे यहाँ पर। यहाँ पे। अच्छा। सामने जो प्लेटफॉर्म है, हाँ हाँ, उसे सूरज घोखड़ा बोलते हैं। सूरज घोखड़ा। घोखड़ा सूरज मीन्स गोल्ड सन, हाँ हाँ, घोखड़ा मीन्स विंडो। ओके। अच्छा, तो अच्छा। सूरज घोखड़ा 50 kg गोल्ड का सन यहाँ रखकर भगवान सूर्य का पूजा किया जाता था, और जब सूर्य पूजा होता था हाँ साइड ढोल नगाड़े यहाँ पे नगाड़ चखाना बोलते हैं सर। ये ढोल नगाड़ा जो बचता है ना, हाँ हाँ, सूर्य पूजा होता था तो यहाँ ढोल नगाड़ा बचता था। अच्छा। जो चित्तौड़गढ़ का फोर्ट आज से 1600 साल पहले मौर्य वंश के राजा चित्रंगदा मौर्य ने चित्रकूट के नाम, सामने जो गेट है वो गेट को त्रिपुलिया गेट के नाम से जाना। ये वाली। यस सर। पैलेस के अंदर आने और बाहर जाने के लिए मैंने एंट्रेंस और एग्जिट गेट था सर ये। हाँ। और ये जो दो विंडो बने हुए सर यहाँ पर, ये वाली। हाँ। एक में राजा बैठते थे, एक में रानी बैठती थी। अच्छा। और यहाँ नीचे मिनिस्टर बैठते थे और नीचे जनता बैठती थी। सूर्य का पूजा होने के बाद सबसे पहला दरबार जनता का बैठता था। अच्छा। जनता की सुनी होती थी। राज दरबार जो है वो अपोजिट साइड लगता था। हाँ। मीरा बाई के बारे में सुना होगा आपने, जो हाँ, हाँ, फ्लोर का पैलेस है वो मीरा का पैलेस है सर। ये वाली सर, जो मीरा कृष्ण भक्ति का। हाँ, 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 मीरा भाई। मीरा कृष्ण का भगवान का जो भक्ति करती थी ना, छोटा वाला मंदिर देखिए सर, वो मीरा कृष्ण मंदिर है। ये वाली, ये मीरा कृष्ण मंदिर। और पास में जो बड़ा वाला मंदिर है वो कुंभा स्वामी मंदिर है। बड़े मंदिर को आप पीछे से देखिए, उड़ीसा का जगन्नाथपुरी जैसा। हाँ, 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 हाँ। फ्रंट साइड आर्किटेक्चर सोमनाथ टेम्पल जैसा है सर। मंदिर के जस्ट बैक साइड एक बावड़ी बना हुआ है, जो तेल की बावड़ी कहलाती है सर। अच्छा। ऑयल स्टोरेज करके रखते थे। ये जो स्टेज से लाइटिंग साउंड शो प्रोग्राम होता है यहाँ पर सर, जो शाम को सर, तो 8th century में बाप्पा रावल ने पैलेस को बनवाया था। हाँ। 1303 में अनाउंसमेंट ने डिस्ट्रॉय कर दिया, और 1440 में राणा कुंभा ने इसे रिस्टोर किया। इसका पैलेस का नाम है। अच्छा। पैलेस यहाँ पर राजा रानी का सर। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ बनी हुई है। आज यहाँ पर सर्वेंट्स क्वार्टर्स है, टॉयलेट एंड वॉशरूम है। इसे तोड़ा गया सर, दीवार आज भी है, शायद तोड़ा गया केवल। रूप इसलिए डिस्ट्रॉय किया जाता था क्योंकि मेवाड़ के राजपूतों ने कोई समझौते नहीं किया सर। अच्छा। जो राजा का सम्मान होता है वो सर का पगड़ी होता है सर। हाँ हाँ। ऊपर से तोड़ा मतलब राजा का सम्मान खंडित किया। टनल है सर, ये वाली। यस सर। जो रानी पद्मिनी होती थी, रॉयल लेडी, यहाँ हाँ। फोर्ट का जो फेमस वाटर बॉडी है गौमुख कुंड, आपने जब कभी भी चित्तौड़गढ़ फोर्ट को गूगल पे सर्च किया होगा। हाँ। तो सबसे पहले ग्रीन वाटर का लेक आता है। अच्छा। तो ये टनल वहाँ ओपन होता था, तो रानी टनल के रास्ते से वहाँ पर जाया था जी सर। हाँ। आकर भगवान शिव का पूजा करके वापस महलों में लौट जाती थी। अच्छा। तो पहले सर न तो सती प्रथा थी, न ही पर्दा प्रथा था। हाँ हाँ। न ही बाल विवाह था, ये सारा मुगलों के आने के बाद चालू हुआ था सर। यहाँ पर राज दरबार लगता था पूरा, वो स्क्वेयर टाइप जो रेजिडेंस है वो पन्ना का रेजिडेंस है। और ये जो 3 फ्लोर का पैलेस देख रहे ना, ये मीरा का पैलेस है सर। और ये सारा उनका किचन एरिया था, ये फूड स्टोरेज था यहाँ पर सर। स्टोरेज जो करके रखते थे ना, सामने जो टावर है सर, वो स्तंभ के पास में गेट है सर, वहाँ तक ये पूरा पैलेस बना हुआ था सर। अच्छा। स्तंभ तक सर वहाँ। अच्छा अच्छा। पूरा तोड़ा गया सर इसे। ये पूरा पैलेस था, मेन मेवाड़ राज्य की राजधानी थी। हाँ। मेन रॉयल पैलेस था। बाहुबली मूवी में जैसा फोर्ट दिखा ना, हाँ हाँ, ऐसा फोर्ट था सर। और यहाँ पर जो इनका खंडर टाइप जगह देख रहे ना आप लोग, हाँ। ये जवानी दीवानी मूवी देखा होगा आपने। हाँ हाँ। अच्छा। हाँ, वहाँ पे बैठे लाइफ में कुछ ना कुछ तो मिस होगा, बनी सनसेट टाइम का शॉट वहाँ से। पूरे चित्तौड़गढ़ किले में ये जगह का व्यू मैं कभी नहीं भूल सकता। इस जगह से पूरा चित्तौड़ सिटी का जो सुंदर व्यू मिलता है वो और कहीं से नहीं मिल सकता। ये चीज़ देखने लायक है। और आप कभी भी चित्तौड़गढ़ आएँ तो चित्तौड़गढ़ फोर्ट का सबसे ब्यूटीफुल स्पॉट यही है। यहाँ पे बैठ के मैंने कुछ अपना थंबनेल फोटोज़ भी ले लिया था, जो कि आप अभी देख ही रहे हैं। ये जो स्तंभ है विजय स्तंभ के नाम से जाना जाता है। महाराणा कुंभा ने गुजरात और मध्य प्रदेश पर विजय किया था, इस विजय के उपलक्ष्य में इसको बनाया था। 10 साल का समय लगा था इसको बनने में, वो बनाने में खर्चा हुआ था 90 लाख सोने की। इसका जो हाइट है ना वो 122 फीट है। हम्म।
वो बीच में हवन कुंड बना रखा है सर। अच्छा। और ये लिखा हुआ जौहर स्थल, वो ब्लैक बोर्ड पे। हाँ हाँ हाँ। वो गेट को सर नॉर्थ जौहर गेट बोलते हैं। अभी जिस पैलेस में थे ना, वहां से यहाँ तक रूफ कवर था पूरा सर। ओ कितना भारी महल था, बड़ा पूरा भांग दिया दादा। ये नॉर्थ जौहर गेट है, ये ईस्ट जौहर गेट है सर। अच्छा, जौहर होने के बाद जौहर गेट नाम पड़ा। हाँ, वो बाद में नाम पड़ा। ये फोर्ट का सबसे फेमस टेम्पल है सर, ये वाली सेंचुरी में परमार शासक राजा भोज ने बनाया था ये टेम्पल को। सिंगल स्टोन में 9 फीट हाइट में 3 फेस बने हुए हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश जन्म देने वाले, पालन पोषण करने वाले और मृत्यु देने वाले शिव के तीनों रूप थे सर। माँ बचपन में अपने बच्चे को कला टीका लगाती कि नजर ना लगे, तो जो फर्स्ट पिलर है ना उस पे ब्लैक स्टोन लगाया हुआ है। अच्छा। मंदिर की सुंदरता को नजर ना लगे सर। 1303 में अलाउद्दीन खिलजी ने भांग दिया था। 1428 में महाराणा कुंभा के फादर महाराणा मोक्कल ने इसे रिपेयर किया, तो मंदिर को मोक्कल जी के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा जी लोटस के ऊपर सीट करते हैं ना सर, तो ये पूरा लोटस का डिजाइन बना रखा है सर, जैसे कि लोटस के ऊपर में पूरा टेंपल बनाया हुआ है सर। ये राज परिवार के कहीं जाते हुए का दृश्य है। ये हॉर्स है, एलिफेंट है, कैमल है, मिलिट्री सारा चल रहा है सर। ये राजा कर रहे थे, एलिफेंट के ऊपर में पूरा सीट किया हुआ टेंपल बनाया हुआ है सर। ये रानी बेटी है, दासियाँ खड़ी है, डांस कर रही है, भगवान है, ज्वेलरी का कार्विंग है ये, ऊपर अप्सराओं का मूर्ति है। तो ये शमशान भूमि में शिव का मंदिर को समाधेश्वर महादेव मंदिर बोलते हैं सर। शमशान का मंदिर समाधेश्वर महादेव सर, 11 सेंचुरी में बनाया था सर। यस सर, ये फोर्ट का सबसे फेमस टेंपल है। और ये सामने में फोर्ट का सबसे फेमस वाटर बॉडी है सर, गौमुख कुंड। गौमुख कुंड 40-50 फीट डीप है ये, अभी खाली नहीं हुई कुंड को वरदान है सर। ये पूरा न्यू सिटी है, ओल्ड सिटी फोर्ट के अंदर रहता है। जब भी आप लोग गूगल पे सर्च करेंगे ना चित्तौड़गढ़ फोर्ट, तो सबसे पहले ये लेक आएगा, फिर बैकग्राउंड पूरा फोर्ट आएगा सर। तो रानी लोग यहाँ पर नहाने के लिए आती थी सर। ओह, ये रानी के नहाने के लिए कुंड चला था। जो अपन ने टनल देखा ना वो पहले से, वो टनल यहाँ ओपन होता था यहाँ तक। यस, वो जो जैन मंदिर है और ये निर्भयनाथ जी का मठ है। तो ये मीरा कृष्ण मंदिर है, देखिए आप ना। ये 2002 में एमपी विलेज सीमेंट ग्रुप ने यहाँ पर लगाया था। और ये फोर्ट का सबसे बड़ा टेंपल है। ये फोर्ट का मेन एंट्रेंस गेट है मैडम, सूरजपुर। यहाँ के राजा जो थे ना वो सूर्यवंशी राजपूत थे, तो सूर्य उदय सामने से होता है, इसलिए गेट का नाम है सूरजपुर। आज भी गेट सूर्य उदय, हाँ आज भी गेट सूर्य उदय पे खुलता है, सूर्यास्त पे बंद हो जाता है मैडम। सामने का जो हिल्स है वो अरावली हिल्स है, दिल्ली से स्टार्ट होता है, माउंट आबू में जाकर खत्म हो जाता है। उसी के पीछे में एक नगरी गांव है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैंप लगाया था। आप लोग मूवी देखे पद्मावती, उसमें फोर्ट के जस्ट सामने रेगिस्तान दिखाया। रेगिस्तान कहाँ पर है? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर तरफ। ये पूरा ग्रीन बेल्ट है मैडम, इधर में रेगिस्तान नहीं है, पूरा ग्रीन मिट्टी है इधर। तो नहीं नहीं आना अलाउ है। ये सूरजपुर है देखिए, तो सनराइज सामने से होता है, इसलिए गेट का नाम है सूरजपुर। आज भी गेट सनराइज पे ओपन होता है, सनसेट पे गेट क्लोज हो जाता है। गेटों के ऊपर जो तो देख रहे हैं ना लोहे के किले, ये हाथी से सुरक्षा करने के लिए थे। पहले हाथी को शराब पिलाते थे, दौड़ता हुआ हाथी आएगा गेट को चोट मारेगा, गेट टूट जाएगा, लेकिन हाथी का सिर की हाइट के बराबर लगेगा तो वो सेकंड टाइम चोट नहीं करेगा। तो पहले क्या करते थे, मतलब एलिफेंट को खड़ा करते थे। ये स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया, पहले स्लोप था, तो पहले क्या करते थे, कैमल को खड़ा करते थे, एलिफेंट अटैक करेगा कैमल को, लगेगा कैमल मर जाएगा, गेट डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन आप देखिए रास्ता टर्न कर रहा है ना ये, तो उस तरफ में भी दो यू टर्न था, तो टर्न करेगा तो स्पीड कम हो जाएगा, उतना तेजी से चोट नहीं करेगा। तो ना तो कैमल मरेगा ना ही गेट डिस्ट्रॉय होगा, तोड़ने का भी है बचाने का भी है। गेट क्लोज हो जाएगा, कोई ऊपर उठना चाहेगा तो गरम तेल पानी पत्थर डालेगा ऊपर से ताकि कोई चढ़ नहीं पाएगा। स्टेट वहाँ से तीर कमान पहले चलाते थे इन होल में से। ये स्टेट सब गवर्नमेंट ने बनाए, पहले पूरा स्लोप था यहाँ पर, सेम 7 गेट था, 5 गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया, अभी 2 गेट है। ये रिस्टोर किया हुआ है 1906 महाराणा फतेह सिंह, एंड दिस ओरिजिनल गेट 7 गेट था, 5 गेट को डिस्ट्रॉय कर दिया मैडम पूरा एग्री नो। यस, तो पूरा जो है ना स्टेट, ये पूरा ग्रीन बेल्ट, पूरा फोर्ट के लिए एग्रीकल्चर लैंड था मैम। फोर्ट के लिए माइनस पॉइंट ये था कि फोर्ट के अंदर में फूड सप्लाई नहीं था, तो जब फूड सप्लाई क्लोज हो जाएगा तो गेट डोर ओपन करने के लिए केसरिया बाना पहनकर युद्ध के लिए बाहर उठना पड़ेगा। तो ये नीचे गांव है मैडम सूरजपुर, लोग रहते हैं आज भी यहाँ पर। ओ, ये तो नीचे। यस, ये पूरा युद्ध भूमि है जहाँ पर अभी खेती हो रहा है मैडम, ठीक है ना। यहाँ से चल के राजा देखते थे। यस यस,
ये सिक्योरिटी बोल से। और ये सामने देखो छोटा सा पहाड़ है ना, ये जैसे कोई आदमी सोया हुआ हो, आगे से मुंह है, बीच में से पेट है, लास्ट में से पैर है, जैसे कोई कुंभकर्ण की नींद सोया हुआ हो यहाँ पर। तो ये अरावली की पहाड़ियाँ है, इसके पीछे एक नगरी गाँव है जहाँ पर अलाउद्दीन खिलजी ने अपना कैंप बनाया। वो कौन सा शहर है? चित्तौड़गढ़। और ये कौन सा शहर है? ये गांव है। ये सिक्योरिटी वॉल है पूरा फोर्ट का। सामने में आप स्तंभ देख रहे हैं, ये स्तंभ को कीर्ति स्तंभ बोलते हैं, टावर ऑफ फेम। जीजा नाम के जैन व्यापारी ने आदिनाथ जैन तीर्थ के रूप में इसको बनाया था। अच्छा। इसी को देखकर सर विजय स्तंभ का निर्माण किया गया था। ये 7 फ्लोर है, वो 9 फ्लोर है। इसमें 57 स्टेयर से जाने के लिए उसमें 157 स्टेयर से सर। ये बनाया था तीर्थ के रूप में और वो बनाया था विजय के रूप में। इसमें 4 साइड आदिनाथ का स्टेचू, इसमें 4 साइड लवन का स्टेचू है। और ये जैन टेम्पल है सर। तो चित्तौड़गढ़ आके हम लोगों ने बहुत कुछ देखा, बहुत ही सुंदर फोर्ट, मंदिर जहाँ पे मीराबाई कृष्ण के चिंता में लीन थी, वो सब कुछ हमने देखा। और साथ में हमने खरीदा एक नहीं और बाकी है, और जौहर जो की थी रानी पद्मनी, और साथ में 16,000 औरतें, तो वो जौहर जगह जौहर कुंड वो सब देखा। मतलब इतना अच्छा जगह है ना चित्तौड़गढ़, अगर कोई मिस करेगा तो राजस्थान में आकर चित्तौड़गढ़ तो कभी मिस नहीं करना चाहिए। अब कहीं पे भी घूमे ना घूमे, एटलीस्ट एशिया लार्जेस्ट फोर्ट जो कि हिंदुस्तान में है, जो कि इंडिया में राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट, वो आपको आना ही चाहिए। इतनी पुरानी हिस्ट्री है इसकी, मतलब मैं क्या बताऊँ, देख के मन मुक्त हो गया। और उसके बाद हमने क्या लिया, हमने लिया एक साड़ी जो नॉर्मल साड़ी की तरह नहीं है, उसमें चंदन का एक आयुर्वेदिक लेप है। अगर इसको अब साड़ी को आप फटकीरी के पानी में डुबाएंगे तो वहाँ से धीमी धीमी चंदन की खुशबू आएगी। और साथ में लिया है एक दोहर, मतलब एक ब्लैंकेट जैसा, वो भी चंदन का आयुर्वेदिक लेप के जैसा है। अगर अब इसको फिटकीरी पे पानी में डुबा के रखेंगे, कोल्ड वाटर में नहीं तो हॉट वाटर बिल्कुल नहीं, तो उसमें से धीमा धीमा खुशबू आएगा चंदन की। तो हम लोगों ने वो लिया और एक अच्छा वाला जूते लिया जो एड़ी का दर्द वगैरह मिटाते हैं, वो भी आयुर्वेदिक है। और वो कहाँ कहीं पे नहीं मिलेगा, सिर्फ इसी जगह पे मिलेगा, चित्तौड़गढ़ पे ही मिलेगा। वो आपको महारानी गवर्नमेंट का है दुकान, महारानी एम्बोरियम चित्तौड़गढ़, वहीं पे आपको मिलेगा, कहीं पे जगह पे वो आपको नहीं मिलेगा। तो वो दोनों हम लोगों ने खरीदा है, वो 3 चीज़ें, और साथ में ले जा रही हूँ बहुत सारा मेमोरी जो हम लोगों ने समेटे हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ हम लोगों ने देखे हैं, और मैं तो बहुत खुश हूँ। अभी हम लोग नीचे उतर रहे हैं चित्तौड़गढ़ से, और सबसे बड़ी बात है यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, उस गर्मी को इग्नोर करके हम लोग आए हैं चित्तौड़गढ़ फोर्ट देखने के लिए, क्योंकि हाँ हम लोग वापस जा रहे हैं, उदयपुर से हम लोग निकल चुके हैं, और यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के फोर्ट देखने के लिए हम लोग यहाँ पे आए। यहाँ से हम लोग जाएंगे कोटा, वहाँ का जो बाईपास है वहाँ पर फिर जाएंगे नागपुर जाएंगे, वहाँ पे एक दिन का स्टे है, उसके बाद सीधा निकल जाएंगे कर्नाटका, यानी कि हमारे घर के लिए। बोलते हैं ना होम स्वीट होम, और वो उसे खींच रहा है मुझे, कैसे है मेरा प्लांट, कैसा है मेरा मछली, सब कुछ, हमारा ऑफिस, मेरा स्कूल, सब कुछ इंतज़ार में है। मंडे से पूरा दम पे शुरू हो जाएगा हमारा स्कूल, इनका ऑफिस, मेरी बेटी का स्कूल। तो तब तक के लिए और 3 दिन बाकी है, हम लोग इन्जॉय कर लेते हैं, आप भी हमारे साथ इन्जॉय कीजिए। स्टे ट्यून्ड विद अस।